पांडव यहाँ दो दफे आए, एक तो अज्ञातवास का अंतिम समय चल रहा था उनका, जब बैराट नगर अलवर जिले में एक शहर पड़ता है, तो वहाँ बैराट राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे जी। तो ये गणपति जी का मंदिर, सिद्धि विनायक जी का जी। तो यज्ञ में यहाँ सूर्य भगवान नारायण रूप में अपनी पत्नी के साथ आए थे जी। यज्ञ संपन्न हो गया, लोहागढ़ जी का मुख्य स्नान कुंड है, सूर्य कुंड है, उसके पास मैं पहुंच चुका हूं। और यहां से आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है, जो दर्शनार्थी यहां पर आते हैं, वो इस तरीके से इस कुंड के अंदर स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद यहां पर जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जाकर भोग लगाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, और फिर जो गरीबों को दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं, यही मुख्य जो स्नान कुंड है, लोहारगढ़ शुद्ध वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर साधारणतः लोग लोहागढ़ जी के नाम से बोल देते हैं। तो यहीं पर एक अनादिकाल का एक शिव मंदिर है, जस्ट इस स्नान कुंड के सामने से, और इस मंदिर के जस्ट सामने ही आपको ये स्नान कुंड देखने को मिलता है। स्नान कुंड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ही सब मिलजुल कर स्नान करते हैं। इसके अंदर महिलाओं के लिए एक किनारा छोड़ दिया गया है, इस शोर से महिलाएं स्नान करती हैं, तो दूसरे शोर से हम देखते हैं पुरुष स्नान करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगर लोहागढ़ आ ही गए हैं तो ये स्नान कुंड है, और इस स्नान कुंड में मैं भी चाहूँगा डुबकी लगा लेता हूँ, एक बार स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आपके आपसे मैं मिलूँगा। तो चलते हैं स्नान कुंड में। मैं स्नान कुंड में स्नान कर चुका हूं। स्नान कुंड में स्नान करने के बाद हमें यहां पर जो प्रधान सूर्य मंदिर है, इसके अंदर दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। तो अंदर चलकर प्रधान जो सूर्य मंदिर है, इसमें पंडित जो बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और यहां पर लोहागढ़ का जो इतिहास, ये लोहालगढ़ जो इतिहास है, इससे संबंधित जो जानकारी है, वो सारी बातें मैं अंदर से आपको बताऊँगा मंदिर का। और ये जो है परिक्रमा पथ है, इसकी जो है सात यहाँ पर परिक्रमाएं जो है करी जाती हैं, और जो यहाँ पर इसका बड़ा ही महत्व है परिक्रमा का। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये भीम कुंड, भीम गुफा और भीम कुंड यहाँ से आपको देखते हैं, और जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा इस तरीके, इस दिशा में हम जाते हैं तो ये प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, और ये भीम कुंड है। हालांकि भीम कुंड में अभी है बहुत ही पानी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर गंदा पानी है, बदबूदार है, साफ सफाई नहीं है भीम कुंड में, लेकिन ये एक हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर एक गुफा से संबंधित जानकारी दी गई है, इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, मैं अंदर आगे चलकर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से ये भीम गुफा हमें दिखती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भीम गुफा, और ये देखेंगे यहाँ पर जो है छोटे छोटे इस तरीके के जीव हैं, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं। तो ये चमगादड़, चमचेड़ इत्यादि ये हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आती है, लेकिन इसको भीम गुफा यहाँ पर कहा गया है लोहागढ़ में, जिसके ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये लोहागढ़ में भीम गुफा देखने को मिलती है, और इसी भीम गुफा के जस्ट नीचे हम देखते हैं तो ये भीम कुंड है। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस मुख्य जो सूर्य मंदिर है,
उसकी गर्भ की ओर। यहाँ पर ये प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भीम गुफा के सामने गुप्तेश्वर महादेव का ये मंदिर है। अब यहाँ से वापस चलते हैं हम, एक सिद्धि विनायक मंदिर है तो यहाँ से ये सिद्धि विनायक मंदिर, ये गणपति जी का मंदिर सिद्धि विनायक जी का जी, यहीं पर मतलब मंदिर में धोख लगाने के बाद अपनी आस्था के अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर कुछ भी दान दक्षिणा हम दे सकते हैं। बाकी यहाँ से प्रसाद और टीका इस तरीके से। हाँ जी, ये जो बाहर कुंड है, हाँ ये सूर्य कुंड है, हाँ यहाँ भगवान परशुराम जी ने श्रवण वेदी बना के प्राचीन यज्ञ किया, सोने की वेदी बना के। तो यज्ञ में यहाँ सूर्य भगवान नारायण रूप में अपनी पत्नी के साथ आए थे जी। यज्ञ संपन्न हो गया, घूम जाओ मान जाकर जी। यहाँ सबसे पहला जो धरती पर अवतार हुआ था वो भगवान विष्णु का हुआ। हाँ जी। और मच्छ अवतार हुआ वो यहीं पे हुआ था। हाँ जी। लेकिन भगवान ने मच्छ अवतार क्यों लिया, एक शंखासुर बोल के एक दानव हुआ जो हमारे जितने भी ग्रंथ थे और ग्रंथों को लेके इस कुंड में उतर गया भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठने के लिए। तो सारा देवता चिंतित हुए, बोले भगवान एक शंखासुर बोल के दानव है और सारे ग्रंथ ले गया और इस ब्रह्म कुंड में उतर गया है। हाँ जी। इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड था जी। तो भगवान विष्णु बोले ठीक, हम इसका इलाज करेंगे। तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले जो धरती पे अवतार लिया वो मच्छ अवतार लिया। हाँ जी। और इस कुंड में उस शंखासुर को मारने के लिए उतर गए। तो भगवान जब शंखासुर को मारने लगे तो भगवान के चरण लग गए इस पानी में और भगवान से शंखासुर ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी गलती हो गई, मौत तो मेरी निश्चित है लेकिन मरने के पहले मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूँ कि लोग मुझे भी याद रखें। तो बोले तुम आज से शंखासुर से शंख बन जाओगे, जहाँ भी किसी देवता की आरती होगी तुम्हारी ध्वनि द्वारा ही होगी जी। तो शंखा विश्व का एक ही मंदिर है जो जोड़े से है। माता छाया जो है वो शनि महाराज की माँ है। तो भगवान यहाँ स्थापित हो गए। फिर यहाँ पांडव आए। पांडव यहाँ दो दफे आए, एक तो अज्ञातवास का अंतिम समय चल रहा था उनका। हाँ। जब बैराट नगर अलवर जिले में एक शहर पड़ता है तो वहाँ बैराट राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे जी। तो बैराट राजा का एक साला था कीचक, बड़ा बलवान था। हाँ जी। तो उसकी नज़र द्रौपदी पे पड़ गई तो भीम ने कीचक को मार दिया जी। मारने से राजा बैराट सोचा कि ऐसा कौन बलवान है जो मेरे साले को मार सकता है, इनका पता करो। तो पांडवों को पता था अगर ये बैराट राजा हमें पहचान गया तो 13 साल की सजा फिर हो जाएगी। हाँ जी। तो पांडव भाग के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो यहाँ कुंड भी था, मंदिर भी था, लेकिन यहाँ आगमन नहीं था जी। तो पांडव रात को पहाड़ों में घूमते थे और सुबह एक सामने गुफा बनी हुई है जिसका नाम भीम गुफा है, इसमें प्रवेश कर जाते थे जी। अपना समय बिताए चले गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए। जीतने के बाद उनकी इच्छा हो गई कि सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाएंगे जी। जब हिमालय में जा रहे थे तो भगवान उनको नारद जी मिल गए। इधर से, इधर से, ये है, ये परिक्रमा, ये यहाँ से आओ, सीधे आओ, बाएं घूम जाओ। तो भगवान नारद मुनि ने पूछा कहाँ जा रहे हो। तो पांडव बोले कि हम लोग सब कुछ छोड़ के राजपाट हिमालय में जा रहे हैं। हाँ जी। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक, आप हिमालय में तो जा रहे हो लेकिन आप जब मरोगे तब आपको मोक्ष नहीं मिलेगी जी, क्योंकि आपके हाथ से गुरु और भाइयों की हत्या हुई है। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि मोक्ष का रास्ता बताओ। तो नारद जी ने बताया कि तीर्थों में जाओ और जहाँ भी जाओगे वहाँ अपने शस्त्रों को धोओगे और ये शस्त्र जहाँ गल जाएंगे वहाँ तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी जी। तो फिर दोबारा पांडव अपने हर तीर्थों में जाने लगे और जहाँ भी जाते थे अपने शस्त्रों को धोते थे लेकिन वो कहीं नहीं गले। तो घूमते घूमते दोबारा यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पहुँचे तो एक गाँव पड़ता है चिराना। तो ये नदी आती है बहुत स्पीड से। हाँ। सावन भादवे में आके इस कुंड में गिरती है जी। और यहाँ से बहती बहती चिराना की तरफ प्रस्थान करती है। हाँ। तो इस पहाड़ी के पीछे हाँ। एक केदारनाथ बाबा का मंदिर है। हाँ जी। तो ये जो नदी चलती है वो चलती है बरखंडी से और केदारनाथ बाबा को नहलाती हुई फिर आके इस कुंड में गिरती है जी। और यहाँ से बहती बहती आगे
चिराना की तरफ प्रस्थान करती है। तो जब वो लोग चिराना पहुंचे तो वहां उन्होंने शस्त्रों को धोना चालू किया तो उन पे जल आने लगा जी। तो उन्होंने उसकी धार पकड़ ली कि ये धारा कहाँ से आ रही है। तो उस धारा के चलते हुए यहाँ इस कुंड में पहुंच गए और इस कुंड में जब उन्होंने शस्त्र धोने लगे तो वो कटने लग गए। तो उन्होंने शस्त्रों को यहीं छोड़ दिया। तब से इस गांव का नाम पड़ गया लोहा गल। लोहा जैसी कठोर धातु भी यहाँ गल गई जी। उसके बाद अभी भादवे में यहाँ मेला लगता है। गुग्गा नवमी के दूसरे दिन स्टार्ट होता है। 24 कोस की परिक्रमा लगती है जी। तो ये किस चीज की लगती है? ये लगती है ब्रह्म कुंड की जी। इन पहाड़ों के नीचे 24 कोस में ब्रह्म कुंड है। तो ये जो परिक्रमा होती है ये 24 कोस की, हर साल 8 लाख 10 लाख यात्री परिक्रमा करते हैं जी। और अपने घर से कोई लोहा लाता है, कोई चिमटा लाता है, कोई कढ़ाई लाता है जी। ऐसे ला के इस कुंड में सदियों से डाल रहे हैं। लेकिन आज भी रहस्य है कि ये लोहा कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या बात। तो सदियों से इस कुंड में लोग लोहा डाल रहे हैं और वो क्यों डालते हैं? अगर पांडवों को हत्या जैसे दोष से मुक्ति मिली तो हमारे परिवार में या किसी बुजुर्ग के हाथ से ऐसा कोई दोष हो गया हो जिससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा बोल के लोग इसमें लोहा सदियों से डाल रहे हैं जी। जी। तो वो गल रहा है, इसलिए इस गांव का नाम है लोहा ग्रल जी। ये भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है। अभी आप जाओगे तो दर्शन करोगे, सपत्नी सूर्य भगवान बैठे हैं और जो शंखासुर का वध किया था भगवान विष्णु ने वो भी यहाँ मंदिर में बैठे हैं। एक शंख के दो आंखें लगी हुई हैं, आप बिल्कुल उनके दर्शन करना जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। कहाँ से? यहाँ से जो नदी बता रहे थे उस नदी का यहाँ से उद्गम है। और ये जो भीम कुंड बता रहे हैं जिसमें लोहा डाला जाता है वो लोहा गल जाता है, इस कुंड की बात कर रहे हैं। जो पांडवों के अस्त्र थे वो भी इसी कुंड में धोने पर गल गए थे और पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र जो थे यहीं पे छोड़ दिए थे। उसके बाद इस गुफा में वो यहाँ पर रहा करते थे, ऐसी मान्यता है। अंदर जो गर्भगाह में चलेंगे और जो मुख्य सूर्य मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार फिर से ये दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ से भीम गुफा का, और इसके पास में यही भीम कुंड है। इस भीम कुंड में ही ये जो है लोहा लाकर लोग डालते हैं। और तीर्थों के राजा तो हैं पुष्कर जी, आओ भाई तिलकर वाला, तीर्थों के राजा तो हैं पुष्कर जी, तीर्थ राज कहला मम्मी जी है वो मेरी। ठीक। वो तीर्थ राज कहलाते हैं, राजा की पदवी मिली है। क्यों? कि ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है और वो पुष्कर में है। जी जी बिल्कुल। क्यों? हाँ, उनको तो मिली है राजा की पदवी। हाँ। और ये हमारे जितने भी तीर्थ हैं हाँ, उनके ये गुरु हैं। हाँ। क्यों हैं? भगवान परशुराम जी ने यहाँ प्राश्चित यज्ञ किया। हाँ। सूर्य भगवान सपत्नी यहाँ विराजमान हुए जी। पांडवों को यहाँ पाप से मुक्ति मिली। हाँ जी। क्या? बिल्कुल। इसलिए ये हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनके गुरु हैं। बिल्कुल। अगर कलयुग और कर्मयुग, क्या कहते हैं? कलयुग और क्रम, और क्रमयुग। अब लोग कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग नहीं है। आज से 50 साल पहले यहाँ इतनी पब्लिक नहीं आती थी जितनी आज आती है। जी 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 बिल्कुल। क्या आज जितनी पब्लिक आती है ना? जी जी। उतनी धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ी है। 50 साल पहले नहीं आते थे। नहीं नहीं, प्रसिद्धि नहीं बढ़ी है, मैं बताऊँगा आपको। पहले लोगों को कर्म भगवान के दर्शन करने वही आते थे जिनकी एज हो जाती थी। बिल्कुल। 40 साल के हो गए। सही बात। अब भगवान के दर्शनों में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तीर्थ करेंगे। हाँ। लेकिन अब लोग इतने अस्त व्यस्त हो गए। हाँ। कि उनको इतने वो समस्याओं में फंस गए हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान के दर्शन तो कर्म तो कर लें थोड़े। जी जी। तो ये कर्म करने आ रहे हैं अपने। हाँ, हाँ। क्या जी, ये जी। कर्म करते हैं। हाँ जी। यारो चलो भगवान के, आज कितनी भीड़ आप देखी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं परसों आप आ जाते ना। हाँ। तो इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल। मावस थी ना। तो ये कर्मयुग है जी। लोग अपने कर्म करने आ रहे हैं। लेकिन कर्म के साथ क्या होता है पता है? लोग इंजॉय करना स्टार्ट कर दिए, सेल्फी ले रहे हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि स्कूल में नहाने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है? जी जी। क्यों नहा रहे हैं इसका वो लोग इतिहास नहीं। अब ये जो मुख्य मंदिर का गर्भगाह है, परिक्रमा पथ है, उससे हम आए हैं
और ये देखिए यहाँ से होके हम परिक्रमा करते हैं तो सूर्य भगवान का मुख्य जो मंदिर है उसकी ओर मैं आपको लेकर जाता हूँ, जिसमें भगवान जो है यहाँ पर अपनी शिवपत्नी विराजमान है। मुख्य गर्भगाह के अंदर ऐसे यहाँ की मान्यताएँ हैं। तो ये परिक्रमा हमारी पूर्ण हुई और उसके बाद मंदिर के मुख्य गर्भगाह की ओर हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमें इस तरीके से ये मुख्य लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो श्री गुरु जी के नाम से है और महंत संत दास जी महाराज सूर्य मंदिर लोहा का सूर्य जो महाराज जी का मुख्य मंदिर जो है हम ये देखते हैं सूर्य मंदिर। मुख्य मंदिर का गर्भ आप ये देखते हैं जिसके अंदर ये जो है एक संत उसके आंखें आपको दिखते हैं शंखासुर और ये सूर्य मंदिर लोहा गर्भ का मुख्य। और इसके यहाँ पर लोग अपनी मिन्नतें मांग के नारियल इत्यादि यहाँ पर चढ़ाते हैं बांधते हैं। और यहाँ से मैं एक बार ये जो सूर्य कुंड है स्नान कुंड है वो आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर गौमुख है और उसी गौमुख से यहाँ पर पानी प्रवाहित होता है। मुख्य महंत यहाँ पर वर्तमान में जो हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर रामानुजाचार्य जी महंत स्वामी जी जो यहाँ पर हैं वर्तमान पीठाधीश्वर हैं ये सूर्य मंदिर लोहागढ़ के। इसी के सानिध्य में ये सारी जो है पूजा इत्यादि से संबंधित ये कार्यक्रम रहता है। सूर्य महाराज का और यहाँ पर इस मंदिर के गर्भ के अंदर भगवान सूर्य अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। ये यहाँ का लोहागढ़ का प्रधान मंदिर कहा जा सकता है जिसके मंड ही या गर्भगाह से हम दिखा रहे हैं आपको। विष्णु भगवान का प्राचीन जो है मुख्य मंदिर ये है जहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हैं और ये जो है एक तरीके से गौमुख इसके अंदर से जो पानी है इसका विशेष महत्व है। अपने महाराज जी यहाँ पे जो मंदिर है अपना ये जो पूरा धाम है इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप किस तरीके से क्या मानते हैं।